11 AM in the morning and we are right now in Sangla Valley in Hotel Rockview. Yesterday the temperature was -11 degrees Celsius and we were having good time spending around the bonfire. Now we'll be heading towards Chitkul where the temperature is around -15 degrees Celsius, and this is the view of from my room. We'll be having our breakfast and then from Chitkul we'll be most probably be heading towards Sarahan or maybe Rampur. We'll be spending our next night in most probably in Manali. Welcome back to another video of Kinnaur Road Trip. और आज है ट्रिप का पांचवा दिन और हम जा रहे हैं चितकुल की तरफ, द लास्ट इंडियन विलेज. कल 31 दिसंबर था और हम लोगों ने मस्ती के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया और रात को काफ़ी लेट हो गए सोने में, लेकिन सुबह जल्दी उठना था क्योंकि चितकुल जाने का एक्साइटमेंट ही नहीं रुक रहा था. रात को इतनी ज़बरदस्त ठंड थी कि हर कोई 2 से 4 कंबल ओढ़कर सोया था. एनीवे रास्ते पे ध्यान देते हैं और आगे बढ़ते हैं. इस एंगल से व्यू इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस बार मेरी चांस ही पीछे बैठने की, एंड मुझे पीछे बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि मुझे कोई भी विंडो नहीं मिलता अपना कैमरा बाहर निकाल के शूट करने का. एंड ट्रस्ट मी गाइस, हम लोगों के बीच में हमेशा इसी बात को लेकर झगड़ा होता है कि मैं पीछे नहीं बैठूंगा. एंड हम लोग आधे आधे घंटा हम लोग गाड़ी में नहीं बैठते इसी बात को लेकर. सांगला से चितकुल का जो डिस्टेंस है वो करीबन 20 किलोमीटर का है, जिसको कवर करने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है डिपेंडिंग अपॉन द रोड कंडीशंस. जब हम गए थे तब हाफ ऑफ द पैच वॉज कवर्ड विथ स्नो और हाफ ऑफ द रोड वॉज ओके, और कहीं कहीं पे ग्रेवल था, मिट्टी था, तो उस वजह से हमको ज़्यादा टाइम लग गया. So guys, कैसी लग रही है जगह? I just can't believe and I just can't imagine such beautiful views around me. सो फाइनली हम चितकुल पहुँचे. वैसे तो चितकुल बहुत ही एक छोटा सा गांव है, लेकिन है बड़ा सुंदर. इट इज़ सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 3400 meters एंड इट हैज़ द क्लीनेस्ट एयर इन इंडिया. एक और इंटरेस्टिंग बात यह है चितकुल की कि यहाँ पे जो एक ढाबा है उसका नाम है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, जो कि काफ़ी फेमस है और हर कोई इस ढाबे पर होकर ही जाता है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन. इसे हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बाद चाइना बॉर्डर लग जाता है. चितकुल क्रॉस करके हम थोड़ा सा और आगे गए, बट देन वी रियलाइज्ड कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो बाय कार. सो हम लोग ने ऑन द वे कुछ बाइकर्स थे उनसे पूछा कि आगे जाने का रास्ता है या नहीं. वी टुक द रिस्क ऑफ गोइंग अहेड, बट रास्ते में जो स्नो थी, जिसे आप ब्लैक आइस भी बोल सकते हो, उस वजह से गाड़ी चलाना और कंट्रोल करना दोनों डिफिकल्ट हो रहा था. तो हमने डिसाइड किया हम आगे जो जाएंगे लेकिन बाय वॉक. स्लिप हो रहा है ब्रो. कंट्रोल में तो नहीं रहेगी वो बात तो, क्योंकि यहाँ तो हमें भी ब्रेक मार रहे हैं तो भी लेफ्ट राइट जा रही है. वो ढाबा आ गया क्या? हिंदुस्तान ढाबा तो पीछे नहीं गया, गया ये खाली बॉर्डर वाला वो जा रही थी चेक पोस्ट. ओके, राइट नाउ इट्स 1:32 PM अराउंड एंड द कार, हम लोग की गाड़ी आगे नहीं जा पा रही है,
इसीलिए हम लोग आगे पैदल जाने वाले हैं क्योंकि गाड़ी स्लिप हो रही है. लुक एट द आइस ओवर हियर. हमने वहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है वो रेड कलर की फॉर्च्यूनर के पीछे. लुक एट द व्यू अराउंड गाइस. लुक एट द व्यू अराउंड. इट इज सो अमेजिंग. वी वॉक फॉर अ किलोमीटर एंड फिर हमने देखा कि एक छोटा ट्रक आ रहा है तो हमने सोचा क्यों ना इस ट्रक पे बैठ के हम थोड़ा आगे तक जाके आए. तो हमने उनको रोका और हमने रिक्वेस्ट की कि हम आपकी गाड़ी पे जाना चाहते हैं आगे तक. तो उन्होंने भी मना नहीं किया और हम सब चढ़ गए उनकी गाड़ी पे और काफ़ी आगे तक गए. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Race all of these broken dreams in flight. And we'll fly. इस पूरे ट्रिप पे मेरी एक ही इच्छा थी टू सी स्नोफॉल. मैं चिटकुल में यही प्रे कर रहा था कि मुझे किसी तरह स्नोफॉल देखने को मिल जाए बिकॉज मैंने आज तक स्नोफॉल नहीं देखी थी. इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता. प्लस सांगला लौटते वक्त पूरे रास्ते स्नो से कवर्ड थे तो मन में एक ये भी डर था कि कहीं स्नोफॉल ज़्यादा हो गई तो रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे और हम यहाँ पर फंस सकते हैं. बट समहाउ वी मैनेज टू रीच आवर होटल. एंड होटल पहुँचने के बाद केयर टेकर ने हमको कहा कि हो सके तो आप तुरंत निकल जाओ क्योंकि इस वेदर का कोई ठिकाना नहीं है. अगर तेज़ स्नोफॉल शुरू हुआ तो आप कितने टाइम तक यहाँ फंसे रहोगे कोई नक्की नहीं है. फिर तो हमने जो भागा दौड़ी में लगेज कार पे चढ़ाया और तुरंत वहाँ से निकले हैं. थैंक्स टू द केयर टेकर ऑफ रॉकव्यू होटल. गाइज आप जब भी सांगला हो तो इसी होटल में रुकना. यहाँ का खाना और हॉस्पिटैलिटी दोनों बहुत ही अमेजिंग है. और ये देखो होटल पहुँचते वक्त हमारी कार की हालत. सब जगह स्नो. सो इसी के साथ मैं किन्नौर का थर्ड पार्ट यहीं पे एंड करता हूँ. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना क्योंकि आगे बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू लेटर. इट्स 18 डिग्री सेल्सियस हियर इन चिटकुल एंड द विंड इज ब्लोइंग लाइक एनीथिंग. और हम लोग ठंड से कांप रहे हैं. शिवरिंग लाइक एनीथिंग. Our car is parked just 1 kilometer from here and we have to walk from here. Oh God. Kya thand hai aur kya view hai. Look at the view guys.